हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीता कैश किचन में। तो आज हम लेके आए हैं साबूदाना से चटपटी रेसिपी। सच में दोस्तों, ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए साबूदाना। तो आपके पास जो भी साबूदाना हो वो ले लीजिएगा। हमारे पास मीडियम साइज की साबूदाना है, वही ले ली हमने। आपके पास जैसे छोटी वाली हो तो छोटी वाली लीजिएगा, बड़ी वाली हो तो बड़ी वाली ले लीजिएगा। और यहाँ पे मैं एक बॉल में पानी ले लिए हैं, चार पांच यहाँ पे मीडियम साइज की आलू छील के ले लिए, कच्चे आलू है। और यहाँ पे मोटे वाले छेद की तरफ से हम कद्दूकस करेंगे। तो जिस तरीके से, जिस तरफ से आपको लंबा नजर आए ना, उसी तरफ से आप इसको लंबाई में कद्दूकस करिएगा, ताकि हमारा जो लच्छे है ना वो लंबे लंबे हो। अगर आपके पास बड़े साइज की आलू हो तो और ही अच्छी बात है, फिर आप बड़े साइज की आलू ले लीजिएगा इसके लिए। अब यहाँ पे हमने कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसको हम 3 से 4 पानी से धो लेंगे। अब देखिए कितना बढ़िया लच्छे हमारा फ्रेश हो गया है और कितना लंबाई में आ गया है। तो जिस तरफ से आपको लंबा नजर आए तो उसी तरफ से करिएगा, तो आपके छोटे भी आलू बड़े बड़े लच्छे तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे हम छान लेंगे इसको, छान मिस रही ना, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद साफ कपड़े पे इसको फैला देना है, तो ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो कपड़े के अंदर जैसे सोख जाए और ये आलू जो हमारा अच्छे से सूख जाए। और यहाँ पे हम पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे, इसमें हम एक साबुदाना डाल के देख लेंगे। अच्छे से तेल गर्म होना चाहिए, तेल को खूब अच्छे गर्म कर लीजिएगा और गैस को हाई रखना है। इसमें थोड़ी करके साबुदाना डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, कम ही कम करके डालिएगा, क्योंकि ये फूल के ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसको हम चलाते हुए इसको हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। और इसको हम निकाल लेंगे छान के, ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी का भी जो साबुदाना बचा है ना, इसी तरीके से आप फ्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे मूंगफली। तो यहाँ पे हम 1 कटोरी से कम ही मूंगफली लिए हैं। तो यहाँ पे हम मूंगफली डालने के बाद गैस को मीडियम करके इसको तल रहे हैं। तो कम से कम आप 1 से 1.5 मिनट लगेगी इसको तलने में। इस तरीके से फ्राई कर लीजिएगा अच्छे क्रिस्पी करके। ये देखिए कुछ इस तरीके से कलर आ जाए ना, तो समझ लीजिए मूंगफली यानी कि फ्राई हो चुका है। अब इसको हम छन्नी में छान लेते हैं, अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे आलू के लच्छे। तो यहाँ पे आप तेल को खूब अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और आलू के लच्छे को डाल देना इसमें। और हाई ही रखना है गैस को, बस ध्यान रखिएगा कि हमें आलू जब फ्राई करना है ना तो गैस को हाई रखिएगा। इसको चलाते हुए हमें फ्राई करना है, तो आपको कम से कम 3 मिनट तो इसमें लग ही जाएगी इसको फ्राई करने में, ऊपर नीचे हो सकते हैं। इस तरीके से हम चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे कलर चेंज होने लग गया है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से कलर आ जाए तो यानी कि ये फ्राई हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम छन्नी में निकाल रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है निकल जाए। देखो तो अच्छे छान लेना है। यहाँ पे हम गैस को बंद कर लिए हैं। अब इसको हम एक प्लेट में, अलग प्लेट में निकाल ले रहे हैं। ये आलू का चूरा ना बन के तैयार है, आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे हम तड़का बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने पैन ली है, पैन में डाल देंगे घी। तो तड़का आप घी में ही बनाइएगा, घी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तड़का बनेगी। और यहाँ पे हम 8-10 करी पत्ता डाल देंगे घी पिघलने के बाद, मेल्ट होने के बाद। और करी पत्ता खूब अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे, अच्छे क्रिस्पी हो जाएगा। इस तरीके से भून लेना है क्रिस्पी। ये देखिए क्रिस्पी हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे काजू और बादाम। तो आप यहाँ पे काजू बादाम जितना ज़्यादा डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे ना, 1 मिनट के लिए भून लेंगे लगातार चलाते हुए। और इसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद। अब यहाँ पे गैस बंद कर दी है। 3 से 4 ले ली है मिर्ची, सूखी वाली मिर्ची है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं, इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा। और थोड़ी सी हींग डाल दी है, तो ध्यान रखिएगा कि गैस को बंद करने के बाद ही सारा चीज डालना है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे पैन जो हमारा हल्का सा गर्म है, और इसको जैसे मिक्स करेंगे हल्का भूनेंगे ना 1 मिनट के लिए, तो पैन भी हमारा ठंडा हो जाएगी। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब चलिए हम अगला तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने थाली लिए हैं। अब यहाँ पे कोई सा भी बड़ा बर्तन लीजिएगा, ताकि हमें मिक्स करने में आसानी हो। अब यहाँ पे हम डाल दिए साबुदाना जो हमने फ्राई किए थे, उसके ऊपर से ये आ गया मूंगफली। और इसके ऊपर से हम डाल देंगे चूड़ा, जो हमने आलू के चूड़ा तैयार किए है ना वो डाल देंगे। तो चूड़ा में आप नमकीन, ऐसे चूड़ा का खाली खाली नमकीन बना के खा सकते हैं। इसमें पुदीना, जो पुदीना का आपके पास सूखे होंगे ना पत्ता, उसको क्रश करके डाल लीजिएगा और नमक डाल लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नमकीन आलू चूरा बनते हैं। अभी इसके ऊपर से हम तड़का डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिएगा। तो नमक यहाँ पे कम ही डालिएगा, तो जैसे आप कम बना रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से नमक डालिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे चाट मसाला यूज करने वाले हैं। यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला डाल दी है। और यहाँ पे हम मैगी मसाला यूज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो पाव भाजी मसाला हो, या घर में कोई सा भी मसाला हो एक्स्ट्रा में, वो डाल लीजिएगा। अगर वो भी नहीं हो
वो आप जो नॉर्मली मसाला खाते हैं ना घर में, थोड़ा थोड़ा करके एक एक चुटकी करके डाल लीजिएगा, बहुत ज्यादा मत डालिएगा। और इतना में बहुत ज्यादा चटपटी फ्लेवर की बन जाती है। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और ये चटपटी सी साबूदाना से नमकीन तैयार हो जाती है। सच में दोस्तों, एक बार आप इसको बनाएंगे ना तो आपको बेहद पसंद आएगी, और घर में सभी पसंद करेंगे, बच्चे से लेके बड़े तक आपकी तारीफ पे तारीफ करते जाएंगे कि इस तरीके से नमकीन आपने घर में ही बना के तैयार कर लिए हैं। तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं, एक बार जरूर बना के ट्राई करिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए सबको दिल से थैंक यू।